वो मुंह पे खुद ही राधे राधे राधे। जैसे मैं अपने कान्हा जी को लेके आई हूँ और उत्तराखंड गई हूँ ना, उनको ले कहीं ना कहीं और स्थान घूमने के जरूर मिले। बहुत सारे मंदिरों की यात्रा करूंगी। मुझे लगता है वो सही है या गलत है, प्लीज जरूर बताना इस बात को। और हम हो गए रेडी। मेरी मांग देखो कैसी भरी हुई है मैंने। हम हो गए रेडी, बैग पैक हो गया और कानों भी तैयार हो गए और हम चलते हैं अभी घर को। देखते हैं कौन से भगवान के दर्शन कर पाते हैं अभी। और आप देख सकते हो वृंदावन में कितनी चहल पहल हो रही है। सुबह तो सब फाटक बंद थे। तो मैं आपको बाकी बिहारी के दर्शन कराती हूँ। और हमने सुबह दर्शन नहीं कर पाए थे तो अभी हमने ठाकुर जी के दर्शन कर लिए और मंदिर के बाहर खड़े। थैंक यू। फिर मैं गई श्री राधा बल्लभ जी मंदिर में। मैं थोड़ा दर्शन करके आती हूँ। और हम ये जा रहे हैं राधा बल्लभ। हाँ भीड़ तो है मंदिरों में। यहाँ तो कितना बड़ा है, घूम घूम के दर्शन करने। और यहाँ पे भी हमारी ट्रेन आ गई है, आप देख सकते हो। और हम चलते वेट करने के बाद आज ही वीडियो बना दे यार।
तेरा तो चलो आई गई 11 बजे, अभी पता भी नहीं है कंफर्म कि हमारी बैठने के बाद बताऊंगी। जाने वाले कर्नाटक एक्सप्रेस हम यहाँ पे 9 बजे आ गए। हम यहाँ पे 9 बजे से बैठे हैं और अभी टाइम हो गया, टाइम था वेलकम टू मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसका रेलवे का ट्रेन वो चल रहा है, वो तो से टाइमिंग मैं कैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आप लोग सो जाओ, हम यहाँ पे बैठे बैठे रात भर कभी नहीं है वाले प्लेटफॉर्म से कूद के इधर आए। और ये वाली ट्रेन इस पर आ रही है अब और हम जा रहे हैं आगे। चलो देखते हैं पकड़ पाएंगे, वैसे पकड़ लेंगे अब। आगे चलो, आगे आगे चलो। ट्रेन में बैठ गए और हमें मालूम नहीं है कहाँ जाएगी। निजामुद्दीन जाएगी, वो भी दिल्ली में आता है। क्या हुआ? और हम यहाँ पर पहुंचे निजामुद्दीन, देख सकते हो। और अब चलेंगे हम, एक ऑटो मिल गया, ऑटो से जाने वाले हैं। हाय दोस्तों, हम रात को पहुंच गए थे घर पे, लेट पहुंचे थे और सुबह के हो गए 11:15। और अंजलि और उसकी फ्रेंड है तो चली गई, और बच्चे भी स्कूल गए और एक बेटा ट्यूशन गया। और गुल्लू के पेपर है तो गुल्लू पेपर देने जाएगा 1:30 बजे। उसके पापा लाडू को लेने गए, उनकी भी छुट्टी है। और अच्छा रहा, बहुत अच्छा। और हम जब वृंदावन गए ना तो हमारा ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ, बहुत कम में हम दर्शन करके भी आ गए और अच्छे से दर्शन भी हो गए। पर हाँ, जो होली थी, होली में तो इतना डिफिकल्ट, बाप इतना परेशान हो गए थे, मतलब इतना वो होता है ना, बाप रे बाप, रिक्स, बहुत रिक्स होता है होली में। और कभी भी वो अकेले तो बिल्कुल ना जाए, बिल्कुल नहीं। और मेरे साथ तो लड्डू गोपाल थे ना, तो मैं इसलिए ना वहाँ पे सुबह हम जब दर्शन करने गए ना, मैं पीछे हट गई क्योंकि इतनी भीड़ थी। और फिर मेरे लड्डू गोपाल थे बीच में, वो ना ऐसे हो जा रहे थे कई बार ना, फिर मैंने कहा नहीं, मेरे लड्डू गोपाल यहाँ खो जाएंगे तो मेरे दर्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने कहा फिर हम तो अपने जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ पे आ गए, उसमें सुदामा कुटिया में। फिर उसके बाद हम रात को, हमने कहा घर जाना है तो पहले वहाँ से ऐसा करेंगे, दर्शन करेंगे, दर्शन करके घर जाएंगे। तो हम फिर भी दोबारा रात को फिर दर्शन करने निकले, कम से कम हम 5-6 बजे निकल गए थे दर्शन करने। फिर हमने दर्शन करे और हम वहाँ से डायरेक्ट आए, और हमें ना ट्रेन ही नहीं मिली, इतना परेशान हो गया। ट्रेन हमारी कितनी तो हम दिल्ली के लिए आ रही थी, पर वाला टिकट हमने करानी था। फिर एक बार किसी ने पूछा, फिर उन्होंने बताया, हम एकदम से हम बैठे हुए थे 2-3 पे, तो एकदम से हम 4 नंबर पे आई और हमने रेलवे से ही उतर के और फिर उस साइड गए। हम ब्रिज भी नहीं चढ़े, इतनी मतलब वो हो गई थी। और उनने सपोर्ट भी करा, कोई बात नहीं आप यहाँ से जा रहे हो तो यहाँ पे से हमें दे दो बैग, हम तुम्हें थमाते, तुम यहाँ से कूद मारो। फिर हम वहाँ से कूदे और फिर भागते भागते गए। हम इतना थक गए थे क्या बताना। पर चलो अच्छा रहा, पर बहुत अच्छा रहा दर्शन करना, क्योंकि हमारा जो रहने का था बहुत अच्छा था। और जो फ्रेंड आई थी, ये पहले जाके आई थी ना, तो इनकी जान पहचान में था, तो हमें वहाँ पर रहने के लिए मिल गया था। तो हमारा सच में बोलो तो, हमने एक दिन में दर्शन करके आए तो हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, सही हो गया था। मैं सच बताऊँ 1000 रुपये से कम में ही हुआ हमारा खर्चा, क्योंकि हमने काफ़ी हम जगह में पैदल जाना आना करा और अच्छे से दर्शन हो गए, सबसे बड़ी बात ये। और आप लोग भी जाना प्लीज़, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पर त्योहारों में तो भूल के भी मत जाना, और बच्चों के साथ, क्योंकि त्योहारों में तो होली में तो बच्चों के साथ तुम दर्शन सुबह कर ही नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं, इतनी भीड़, बहुत भीड़। हाँ, शाम के टाइम पे तब भी अच्छे दर्शन होते हैं, होली में तो बहुत भीड़। और लड्डू गोपाल की इतनी अच्छी कृपा रही मेरे साथ कि मतलब हम वहाँ से दर्शन करके, मैं पता हमारे दिल में तो हम आने के लिए आ जाते ना, पर दिल में थोड़ा रहता कि नहीं हमने दर्शन नहीं करे। और हम पहले रुकने वाले थे, आ जाने वाले थे, अंजलि ने कहा नहीं मुझे जॉब जाना है, हम इसलिए आ गए, नहीं तो अंजलि वहाँ पे हम रहते ना तो हम प्रेम मंदिर के भी दर्शन करके आते आराम से। पर ऐसे स्थानों में जाना चाहिए, बहुत अच्छा है वहाँ। तो ऐसा लग रहा था कि अच्छा ऐसी दुनिया भी है, पता है अभी भी वहाँ, मतलब बस मंदिर, हर एक दो कदम में मंदिर, वो भी छोटे नहीं बड़े मंदिर, हर एक दो कदम में मंदिर। और वहाँ का माहौल ही इतना ऐसा था ना मंदिर का, कि मतलब बस पूजा पाठ, मतलब वो मुंह पे खुद ही राधे 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 राधे, दिन रात जब तुम बाहर अंदर करो ना, मुंह पे अपना आप ही राधे 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 मुंह पे ऐसे,
बोलते, मतलब हम ट्रेन में भी बैठे ना, मुंह पे अपना भी राधे राधे, जैसे हमसे कुछ चढ़ नहीं पा रहे कहीं पे उतरना है तो मुंह पे राधे 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 आ रहा, हरे कृष्णा बस, सबसे ज्यादा तो राधे राधे सचिन मानो तो। पर हमने वहां पे रात को परिक्रमा लगाई थी, तो परिक्रमा लगाते समय वहां पे हमने ज्यादातर राधे राधे ही जपा, तो मतलब एक रात में इतना जपने में बस राधे राधे राधे, जैसे कुछ करना हो किसी ने किसी को मतलब जवाब नहीं देना ना, कोई उल्टा बोल रहा है उसको जवाब देने की इच्छा, मतलब हम बोलेंगे तो उल्टा ही बोलेंगे, जवाब देने की इच्छा नहीं है तो राधे राधे बोल दो। सच्ची में इतना मतलब हमारे मुंह से तो बस राधे राधे ही निकल रहा था, बहुत ज्यादा वहां से एक शब्द मिला हुआ है राधे राधे राधे, मतलब मैं बोलती थी पर थोड़ा हिचकिच आ जाती थी, मतलब थोड़ा कम करती थी राधे बोलना, कभी मैं श्री राम जैसी कृष्णा राम राम, पर अब तो राधे राधे बस मुंह पे जितनी बार हम घर पे आए मैं इनको कर रही राधे राधे, इतना है वहां पे हर तुम उठो बैठो मुंह पे राधे राधे। पर वहां पे माहौल अभी भी ऐसा बना हुआ है सच में, तुम जो भगवान का नाम ना लेना हो लेते हो ना लेना चाहो ना, तुम वहां एक बार जाओगे ना खुद ही तुम्हारे मुंह पे राधे राधे आएगा, पर तुम्हें भी थोड़ा बहुत ऐसा रहेगा कि नहीं हमें राधे राधे बोलना है, हम जैसे हम यहाँ पे से ये मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ा मुंह पे राधे राधे करते जा रहे हैं कि चलो बाकी बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, राधा रानी के दर्शन करने जा रहे हैं तो हम राधे राधे बोले। तो सच्ची में तुम उसके बाद तुम कुछ कर भी रहे हो तुम्हें अचानक से राधे राधे याद आएगा, राधे राधे याद करोगे सच में। मैं कितना सारा बोल दिया, चलो आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले टाटा बाय बाय, और आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। अब तो मैंने जब से मैं अपने कान्हा जी को लेके आई हूँ और उत्तराखंड गई हूँ ना उनको लेके, और उत्तराखंड से मैं बिनसर मंदिर, इतने साल हो गए शादी करे हुए भी 14-15 साल, और वब से लेके अभी तक मैं बिनसर नहीं गई। मैं शादी से पहले भी और एक बार अपने मायके में थी, मैंने तब बोला पापा मैं जा रही हूँ, पापा ने कहा नहीं अपने पति के साथ जाइयो, नहीं शादी के बाद जाइयो, और मैं कानों को गांव लेके गई, बिनसर लोग गए तो मैंने कहा नहीं मैं कानों को ले जाऊंगी, अपना भी मेरा बिनसर जाने का प्लान बना। और कालिंका तो मैं शादी से पहले गई थी, शादी के बाद मुझे ऐसा था कि हम एक बार कालिंका मंदिर चले तो दोनों पहले साथ में चले, पर मैं शायद मायके में अपने बच्चों को लेके चली गई थी, अकेले तो नहीं गई थी, पर दूसरी बार जब मैं गई तो इनको साथ में लेके गई, और वो भी जाने के बाद जब मैं बच्चों को लेके गई तब मैं कालिंका पूजा होती है, जतोड़ा होता है पूजा होती है, कालिंका पूजा जतोड़ा बोलते हैं, तो उसी दिन मतलब हम और ये साथ में गए। जब फर्स्ट वाला आया बच्चों के साथ मैंने कहा भगवान इस बार तो बच्चों के साथ आ गई, मैंने तो सोचा था कि हम दोनों चलेंगे, पर अगली बार क्या कि हम दोनों साथ में आए, और सच में हम दोनों साथ में कालिंका जतोड़ में गए, क्योंकि इतने शादी के साल इतने हो गए थे 15 साल हो गए, पर मैं 15 साल में एक भी बार कालिंका जतोड़ा नहीं गई थी, एक भी बार नहीं, और 15 साल में लास्ट में इनके साथ गई। फिर मैं तो अपने कानों को जान ले जाती हूँ, सच्ची में एक साल में इतने सारे मंदिर स्थल में चले गई, स्थानों में चले गई, और अभी देखो बाकी रात काने की कृपा होगी तो शायद कहीं ना कहीं और स्थान घूमने के लिए जरूर मिलेगा। पता नहीं मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे मंदिरों की यात्रा करूँगी, मुझे लगता है, बाकी तो करूँगी नहीं करूँगी वो पता नहीं, पर मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि मैं ज़रूर करूँगी। काना की भी इच्छा होती है कि मैं भी साथ में चलूँ, पता नहीं मुझे लगता है, बाकी तो जो आगे जो वीडियो आएगी आप लोग भी देखना उसमें कि मैं सच बोल रही हूँ झूठ बोल रही हूँ, लगता है सही, मतलब जो मुझे लगता है वो सही है या गलत है, प्लीज़ ज़रूर बताना इस बात को। और आप मेरे चैनल में ऐसे ही बने रहे और करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।